बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती खेमिन साहू, शासकीय प्राथमिक शाला बेमचा, जिला महासमुंद। लइका हो तुमन तो अब बड़े हो गए हो, ता तुमन अब जाने समझे के लिए तको हो गए हो ना, ता आज़ादी के मायने ला तुमन बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो। आज़ादी, हर चीज़ के आज़ादी मिलना ज़रूरी है, लेकिन वो आज़ादी के उपयोग सही तरीका से होना चाहिए। का तुमन जानतो हमर देश ह हजारों साल तक अंग्रेज मन के गुलाम रही से, और एकर कारण हमर पूर्वज मन कतका दुख पाए, कतका यातना पाए, कतका पीड़ा पाए। ता आज हमन यही एक आज़ादी के नाम के कविता पाठ्य पुस्तक में पढ़वो, पाठ आठ, एक सांस आज़ादी के, और एकर कवि हवै डॉक्टर जीवन यदु। तलैका हो अब ये कविता से संबंधित ठोकन परिचय मैं तुमन ल देवत हूँ, ध्यान से सुनू। जिंदगी मा आज़ादी के बड़ महत्व है, मनखे भर नहीं भलुक सबो परानी आज़ादी के हवा मा सांस लेवैला पसंद करते। तुमन तो जानतो ना कि हर मनुष्य हा आज़ादी के साथ काम करना चाहते, स्वतंत्र होके काम करना चाहते। जतका भी जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, सब जन अपन काम ला स्वतंत्र होके करना चाहते। काबर की अगर वो गुलाम हो गए तो उकर काम में मन भी नहीं लगी, और उकर काम जो है वो अच्छा से नहीं हो पाही। गुलामी के बड़ा सुहारी ला आज़ादी के सुखा रोटी हा ज़्यादा गुरतुर लगते। अब ये लाइन मा कवि है का कहे है जानतो, ये लाइन मा ये बताए गए हावय कि जब हम आज़ाद रहथन और हमर पास सूखा रोटी भी रही थे तो ओला हम खुशी खुशी खातन, लेकिन अगर हमला कोई गुलाम बना दी, कोई जेल में बंद कर दी, कोई कमरा में बंद कर दी, या अपन गुलाम बना दी, अगर वो हमला बड़ा सुहारी भी दी, तब वो चीज़ हमला अच्छा नहीं लगी। काबर की हमन वो जगह अपन मन के काम ही नहीं कर सकबो, है ना। एकर सेती जब हम आज़ाद रहथन और हमला सूखा रोटी भी मिलते तो हम ओला खुशी खुशी खा लेथन। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि है ऐसने किस्म के भावला प्रकट करे है। तो चलो लइका हो अब ये कविता ला हमन हा पढ़थन और एकर अर्थ ला तको छत्तीसगढ़ी और हिंदी में समझथन। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के सौ जन्म बरोबर होते। तलैका हो ये पंक्ति माँ कवि हा ये बताए है कि जौन मनुष्य हा जियत है ना, और अपन काम बूता में लगे हुए है, ओकर लिए आज़ादी हा काम आईने रखते। आज़ादी हा सौ जन्म बरोबर लगते, है ना, ऐसे ये लाइन में कवि हा समझाए है। बच्चों इस कविता में कवि ने यह बताया है कि जो मनुष्य जिंदा है उसके लिए आज़ादी बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक आज़ाद मनुष्य, स्वतंत्र मनुष्य जो है वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, और आज़ादी का अर्थ उनके लिए सौ जन्म के बराबर होता है। लइका हो अब आगे के पंक्ति ला पढ़थन अब एक अर्थ ला समझथन। जेकर चेथी मल जूड़ा कस मारे रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी, नाव ले ज्यादा जग माओकर होथेगा बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेसरम बरोबर होते। लइका हो अभी जो पंक्ति हमन ह पढ़े हैं, चलो एकर अर्थ ला मैं तुमन ला छत्तीसगढ़ी में समझा देता हूँ। जेकर चेथी में जुड़ा कस मारे रथे गुलामी, ये पंक्ति के अर्थ है कि चेथी, चेथी यानी गर्दन के पीछे वाला भाग, जुड़ा, जुड़ा के अर्थ होते जेला बैला गाड़ी में बैला ला बांधे बर उपयोग करे जाते। तो ऐसे मनुष्य जेन हा गुलाम रहते वो मनुष्य एक बैला के समान होते, जो हा बैला गाड़ी में जुड़ा में कस के बंधाए रहते। जो मनुष्य हा दुश्मन के घुलन के प्रणाम करते, काबर, काबर की मोला ज़्यादा पीड़ा मत दे, यातना मत दे, ऐसे कहके, तो वैसने मनुष्य के नाम जो है वो दुनिया में बदनाम हो जाते। काबर बदनाम हो जाते, तुमन बताओ का तुमन हा अपन कोई दुश्मन के घुलन के प्रणाम करना चाहू, और अगर तुमन कर लू होता तुहर बदनामी हो ही ना दुनिया में। वैसने वो मनुष्य जो है वो दुनिया में बदनाम हो जाते, और ऐसने मनखे मल्ला, ऐसने परानी मल्ला बेशरम कहे गए हैं। लइका हो चलो अब
ये पंक्ति मा आए हुए कुछ अपरिचित शब्द के अर्थ हमन हा जान लेथन। जैसे चेथी, चेथी के अर्थ होते गर्दन के पीछे वाला भाग। जुड़ा, जुड़ा के अर्थ है बैला गाड़ी में उपयोग करे जाना वाला जिनिस। जोहारे, जोहारे के अर्थ होते प्रणाम करना। लइका हो, अब कविता के अगले पंक्ति ला हमन हा पढ़थन। लहू के नदिया तौर निकल थे बीर हजत के बेरा, सूरज निकल थे मेट के करिया बादर वाला घेरा। उजियारी ले तभे उसल थे अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आजादी करम बरोबर होते। लइका हो, ये पंक्ति माँ कवि हा कहे है कि जो हमर देश के वीर सपूत होते, देशभक्त होते, वो हा लहू के तरियाला नहाक थे। लहू के तरियाला नहाकना मतलब देश के आज़ादी पर, देश के रक्षा पर उमन हा अपन एक लहू के एक एक कतरा ला देश ला समर्पित कर दे थे। और जब वो वीर सपूत हा वो लहू के तरियाला पार करते, ओ समय सूरज हा करिया बादल ला तोड़ के अपन प्रकाश ला फैलाते हुए निकल थे। तभे अंधियारी के डेरा हा अपन आप ला समेट के उजाला ला फैलाए बर जगह दे थे। और ये जो आज़ादी है वो सबे परानी बर करम बरोबर होते। करम बरोबर कैसे होते कि ये आज़ादी हा हमन ला काम करे बर सिखाते। काबर कि एक मनुष्य हा स्वतंत्र होके जतका अच्छा से काम कर सकते उतका अच्छा से वो हा गुलाम रह के नहीं कर सके। ता लइका हो, एमे कुछ अपरिचित शब्द आए हैं जेकर अर्थ मैं तुमन ला समझाता हूँ। जैसे उसल थे, उसल थे के अर्थ होते उठ जाते या हट जाते। बच्चों, अब इन पंक्तियों को मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। एक वीर देशभक्त जो होता है वो खून के नदिया को पार करता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर देशभक्ति की भावना ओतप्रोत होती है। और जब वो वीर सपूत अपने देश की रक्षा के लिए उस खून की नदिया को पार करता होता है, उसी समय सूरज जो है वो काले बादल के घेरे को तोड़कर बाहर निकलता है। और तभी जो अंधेरा फैला होता है वो अपने आप को समेट लेता है और उजाले को रहने का स्थान दे देता है। और ये जो आज़ादी हमें मिलती है हर मनुष्य के लिए वो कर्म के समान होता है, क्योंकि हर मनुष्य स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है। और जो मनुष्य स्वतंत्र होता है उसे अपने कार्य को हंसी खुशी करने की प्रेरणा भी मिलती। लइका हो, चलो अब कविता के आगे पंक्ति ला पढ़थन। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मा चढ़ते ओकर बारी। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा मा आज़ादी भरम बरोबर होते। लइका हो, अब ये पंक्ति के अर्थ मैं तुम ला समझात हूँ। कवि में कहे है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते जेला आज़ादी के कोनो चिन्हारी नहीं है। कोनो चिन्हारी नहीं है मतलब ये आज़ादी हमन ला कैसे मिलिस, कौन देवैस, कब मिलिस, एकर महत्व ला ओमन समझ नहीं सकै। ये आज़ादी हमला कतका मुश्किल से मिले है, कतका कठिनाई से मिले है। वो आज़ादी के लड़ाई ला तो वो लड़े नहीं है, तो एकर महत्व ला कैसे समझे वो हा। हर के कोठा के बैला मा चढ़ते ओकर बारी, मतलब ये पंक्ति में ये समझाए गए है कि जे मनुष्य ला फोकट में आज़ादी मिल गए है ना, ओकर महत्व ला वो समझत भी नहीं है, तो दूसर मनुष्य हा ओकर फायदा ला कैसे उठाते। जैसे काकरो बारी में दूसरा के बैला हा आके पूरा बारी ला चर देते है ना, तो तब वो मल्ला ओकर नुकसान हा समझ में आते। वैसने एक ऐसे मनुष्य है जेला आज़ादी के समझ नहीं है, वो मनुष्य के फायदा ला कोई दूसरा बाहरी आदमी हा आके उठा लेते। अगला पंक्ति है, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी। ये पंक्ति में कहे गए है कि आज़ादी के बासी, आज़ादी के बासी मतलब रूखा सूखा रोटी खाना, मतलब जब मनुष्य आज़ाद रहे थे तो खुशी खुशी वो सूखा रोटी या बासी ला भी खा लेते। लेकिन अगर वो काकरो गुलाम बन जाते वो समय, अगर ओला सोन के थारी में बरा सोहारी खीर पूरी सब परोसे रही थे तब भी ओला खाना मंजूर नहीं हुआ। काबर की एक मनुष्य हा हमेशा स्वतंत्र रह के काम करना चाहते। सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते, मतलब एक पक्षी है या एक चिड़िया है
जिला सोना के पिंजरा में भी कैद कर दिए जाए तब भी वो खुश नहीं रहा है। काबर खुश नहीं रहा है? काबर की पिंजरा तो पिंजरा होते, वो जगह ले उड़ पाही का, खुला आसमान के आनंद वाला वो समय मिल पाही का, नहीं मिल पाए। ओकरे स्थिति ये पंक्ति में कहे गए है कि सोन के पिंजरा आजादी के भरम का सर है, मतलब सोन के पिंजरा मिले के बाद ओमे पक्षी जो है, वो चिड़िया जो है, वो खुश नहीं रहा है। काबर की वो तो आसमान में उड़ैया एक स्वतंत्र पक्षी हरे। लइका हो, अब एमे कुछ कठिन शब्द दे गए हैं, तेकर अर्थ मैं तुम्हें बतात हूँ। जैसे चिन्हारी, चिन्हारी के अर्थ होते पहचान। बच्चों, इन पंक्तियों को अब हम हिंदी में समझते हैं। एक ऐसा मनुष्य जिसको आजादी का महत्व ही नहीं पता है, तो क्या होता है, बाहरी लोग आके उसका फायदा उठाते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर के बाड़ी में अगर दूसरे घर का गाय या बैल आके उसको खा लेता है, मतलब नुकसान किसका होता है, हमारा होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य आजादी का महत्व नहीं समझ पाता है, उस समय दूसरे बाहरी लोग आकर हमारे घर पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को आज़ादी का महत्व समझना आवश्यक है कि आज़ादी हमको कैसे मिली, किन परिस्थितियों में मिली, किन कठिनाइयों में मिली, किन लोगों ने इस आज़ादी को हमें दिलवाया है। आगे की पंक्ति है, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते। तो बच्चों, कवि ने इन पंक्ति में कहा है कि जब मनुष्य जो है वो आज़ाद रहता है, उस समय अगर उसके पास खाने पीने के लिए सूखी रोटी या बासी भी है तो वो खुशी खुशी उसको खाता है। लेकिन यदि उसे गुलाम बना लिया जाए, उसे जेल में बंद कर दिया जाए या किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे हर रोज़ अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया जाए, खीर पूड़ी हलवा, फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं होता। क्योंकि जो आनंद आज़ाद होके, स्वतंत्र होके कमा के खाने में होता है, वो गुलाम बन के रहने में और खाने में नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, फिर भी वो खुश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चिड़िया जो है स्वच्छंद आकाश में उड़ना चाहती है ना। तो सोने के पिंजरे में रहकर भी वो चिड़िया जिस प्रकार से खुश नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है वो गुलाम बनकर खुश नहीं रह सकता, चाहे उन्हें कितनी भी सुख सुविधाएं दी जाए। लइका हो, अब कविता के आगे पंक्तिला हमन पढ़। माढ़े पानी हा नहीं गावे, खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा, खेत मय को दाना, अपन गोड़ के बंधना छोरे, ओला मिले ठिकाना, आजादी हा सब विकास के मरम बरोबर हो। तलैका हो, ये पंक्ति माँ कवि हा ये बताए है कि जो पानी हम माढ़े रही थे उनमें कोई आवाज नहीं होए, होते का नहीं होए। तालाब के पानी में खलबल खलबल आवाज होते नहीं होए, लेकिन नदिया के पानी में तो होते ना। तो कवि है एमे ये बताए है कि जे मनुष्य अपन कार्य ला नहीं करही, हलचल नहीं करही, सोच ही विचार ही नहीं, एती ओती नहीं आही चाही, तका वो कुछ काम ला कर सकी, वो सफलता प्राप्त कर सकी, नहीं कर सके। जैसे बिना नहर के खेत मा एको कन दाना नहीं होए, अनाज उत्पन्न नहीं हो सके। ठीक वैसने ही जब तक मनुष्य जो है अपन आपला विकसित नहीं करही, आगे नहीं बढ़ा ही, तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जैन मनुष्य हा अपन गोड़ के बंधा ला छोड़ के आगे बढ़ी, एकर अर्थ ये है कि जब मनुष्य हा अपन आपला आगे बढ़ाए बर अपन विचार ला स्वतंत्र करही, तभे ओला सफलता प्राप्त हो ही, और ये आज़ादी के महत्व जो है वो पूरा हो ही। काबर की एक आज़ाद देश हा वो देश ला आगे बढ़ाए में बहुत महत्व रखते, और तभी वो देश के विकास हो ही, यही है आज़ादी के सार होते। लइका हो, अब ये मैं आए हुए कुछ कठिन शब्द के अर्थ में तुम मतलब बता देता हूँ। जैसे छोरे, छोरे के अर्थ होते छोड़ना। बच्चों, अब इस कविता की पंक्ति का अर्थ हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार से एक जगह स्थिर रखा हुआ पानी, उससे कोई भी ध्वनि नहीं निकलती, कोई भी आवाज नहीं आता, मतलब वो किसी को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकता, ना वो खुद आगे बढ़ पाता है, ना दूसरों को आगे बढ़ा पाता है ना। लेकिन एक नदी जो है जब बहती है, उस समय अपने आसपास के भूमि को सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है, और जो वहीं पर ठहरा हुआ पानी है वो किसी भी खेत को सिंचित
नहीं कर पाता, मतलब बिना नहर के बांध के उस खेत में अनाज उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा। तो एक जो मनुष्य है उसको हमेशा क्रियाशील रहना जरूरी है। इस पंक्ति में कवि ने यही संदेश दिया है। जो मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है, वो उस मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। और आज़ादी का मर्म भी यही है, सार भी यही है कि एक आज़ाद देश जो है वो हमेशा विकास की ओर अग्रसर होता है। लइका हो, अब ये कविता ला तो हमन पूरा पढ़ डरें, हिंदी में भी एक अर्थ समझें और छत्तीसगढ़ी में भी एक अर्थ समझें। तो यही अर्थ के आधार पे हमन हाँ ये प्रश्न के उत्तर ला तक चलो दे देथन। तो लइका हो, ये कविता से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी है, चलो एला सब जन मिल के करथन। तो पहला प्रश्न हवे, आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते, कौन बताही? अच्छा छाया ते बताबे। बिल्कुल सही जवाब है, आज़ादी के एक सांस 100 जन्म के बरोबर होते। अब दूसरा प्रश्न ला सुनाओ, सोन के पिंजरा मा आज़ादी भरम बरोबर होती, कवि के ऐसन कहे के मतलब का है, कौन बताही एकर उत्तर ला? एकर उत्तर, अच्छा मीनाक्षी, मीनाक्षी बताही। बिल्कुल सही मीनाक्षी, सोन के पिंजरा मा आजादी हा एकर सेती भरम बरोबर होते, काबर की पिंजरा तो पिंजरा ही होते, उमे जो चिड़िया हा बंद रही वहा बाहर खुले आसमान में नहीं उड़ सके। अब तीसरा प्रश्न ला सुन लो, तीसरा प्रश्न है, कवि हा आजादी ला जम्मू विकास के जर काबर कहे है, कौन बताही एकर उत्तर? बिल्कुल सही जवाब है, कवि हा आजादी ला जम्मू विकास के जर एकर सेती कहे है, काबर की एक आजाद देश हा अपन काम ला स्वतंत्र रूप से कर पाते, एमा कोई भी बाधा नहीं डाल सके। अब आगे के प्रश्न ला देखथन, प्रश्न है, देश के आजादी बर बलिदान देवैया देश के सपूत मन के नाम लिखो। एक एक लइका हा एक एक झन सपूत मन के नाम ला बता जाही। अच्छा चलो सबले पहली, हाँ बिल्कुल सही जवाब, शहीद भगत सिंह, बिल्कुल सही है। दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। लइका हो, ऐसने हमार देश में बलिदान होइया बहुत झन सपूत है, जेकर नाम ला तुमन अपन माँ पिताजी से या फिर अपन बड़े दीदी भैया से पूछ के अपन कॉपी में लिखो। लइका हो, अब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हमन हा कर लेथन। ता आज मैं तुमन ला बताऊं मुहावरा, का तुमन मुहावरा के अर्थ ला जानथो? चलो मैं बता देथो, मुहावरा के अर्थ है जेन लिखाए है ओकर ले दूसरा अर्थ ला बता, जैसे अपन गोड़ के बंधना छोड़ना, एकर अर्थ होते स्वतंत्र होना। ता लइका हो, कविता में आए ऐसने मुहावरा मन के अर्थ खोज के लिखाओ और अपन वाक्य में भी प्रयोग करो। जैसे मैं मुहावरा एक जगह बतात हूँ और वाक्य में प्रयोग तुमन कर लू, जैसे बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी जोहारना, माढ़े पानी खलबल खलबल गाना नहीं गावे, आगे है लहू के नदिया तौर के निकलना, अगला हवे पर के कोठा के बैला। तलैका हो, तुमन अभी ये कविता ला पढ़े हो, साथ ही साथ एकर अर्थ ला हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी समझे हो, अभ्यास प्रश्न भी हमन कर लें और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न भी कर लें। तो चलो आज मैं तुमन ला गृह कार्य के रूप में एक ठन प्रश्न देवत हूँ, जल्दी से अपन कॉपी में तुमन लिख लो। तो प्रश्न हवे, देशभक्ति गीत के संग्रह करके अपन कक्षा में सुनाओ और एकर लिए तुमन अपन बड़े दीदी भैया और माता पिता के सहयोग भी ले सकते हो। तो आज के पाठ ला हमन यही जगह समाप्त करथन और मिलथन अगली कक्षा में। नमस्कार।